भैया आप जो ये मिट्टी परीक्षण के लिए नमूनों ले रहते गए रहे ते का मत तुम काई काई सावधानी न रखोगे। मिट्टी को नमूनों लेने यहाँ सावधानी रखूंगा और जो नमूनों लेऊंगा जो छाया छे उसका नीचे से नहीं लेऊंगा, ये सावधानी। तो भैया छायादार स्थान से मतलब मिट्टी को नमूनों क्यों नहीं लेगा या क्यों नहीं लेना चाहिए? ये हम हमने छावदार का एक लिए नीचे से नहीं लेता क्योंकि पत्ती पड़े वो खाद बना को मिश्रण हो तो कि अपने रिपोर्ट सही नहीं मिलती। जहाँ गोबर को खाद डालेल छे ये पुराना वहाँ की जगह से नहीं लेंगा। और जहाँ पर खाद डालेल छे वहाँ से नमूनों क्यों नहीं लेना चाहिए? जहाँ मिट्टी के परिश्रम कराएंगे वो की सही रिपोर्ट नहीं मिलेगा, वो खाद को तत्व कम मिलेगा। इक्यासी तेरह से 10 फीट दूर से 1 एकड़ में 6 से 7 जगह से नमूने लेना चाहिए। तो भैया आप जो मिट्टी को नमूना ले रहा था वो 1 एकड़ में 6 से 7 जगह से क्यों ले होगा? हम इकाश ले रहा 6 से 7 जगह से कि पूरा खेत की सही साठ जांच हुई जाए। अच्छा, नमूना हमेशा कपड़ा की थैली में लेना चाहिए। तो भैया नमूनों कपड़ा की थैली में क्यों लेना चाहिए या क्यों ले आवाएंगे? कपड़ा की थैली में इकाश ले जाओ हम क्यों काम और मिट्टी हम सही साठ रहे ना पॉलिथीन में ले जाऊंगा तो काम कहीं से सील छे कुछ भी परेशानी आओ इकाश हम काम नहीं ले जाता। भैया आप मिट्टी की जांच कराना के लिए नमूनों ले रहा तो किस प्रकार से लोग थोड़ा हमको बताओगे? हमने सेड़ा से 10 फीट अंदर की साइड 5-6 जगह सिलाऊंगा और एक इसमाई सिलाऊंगा 1 एकड़ में। चलो आप तुमका बता रहे हो नमूने किस प्रकार लेना।